Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. How are you guys? I hope you are always fine. तो गाइज आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि हमने वेकेशन टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया और हम सब कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए. तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहना और स्किप ना करना. एंड थंबनेल से तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये किसी क्रूज़ के बारे में है. तो हाँ, आप सही हो, ये क्रूज़ है भावनगर, गुजरात के एक शहर भावनगर से सूरत तक. आप सबने नाम सुना ही होगा और इसी क्रूज़ का नाम है रोरो फेरी, होगा टू हज़ीरा, यानी कि भावनगर के पोर्ट से सूरत के पोर्ट तक. तो गाइस ये लाइफ का बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जहाँ हम लोग वेकेशन मनाने के लिए जा रहे थे और इसके लिए हमने सफ़र के लिए चुना था इजी क्रूज़ को. गाइस आप सब यहाँ का व्यू देखिए, मुझे तो डर भी बहुत लग रहा था, साथ ही साथ मज़ा भी बहुत आ रहा था. एंड ये येलो कलर के स्टिकर आप सबके पास होना ज़रूरी है, वरना आप सबको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि यही है टिकट बैंड. और गाइस अंदर जाकर देख रहे हैं कि ये तो लग ही नहीं रहा कि हम सब पानी के ऊपर हैं, ऐसे ही लग रहा किसी थिएटर में बैठे बैठे हम सब मूवी देख रहे हैं और सामने थ्री इडियट्स मूवी भी चल रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं. कुछ टाइम के लिए बोर भी हो रहे थे, लेकिन और क्या, बोर होने के लिए तो हम सब आए नहीं थे, हमें तो बस इंजॉय करना था. और भूख भी ज़ोरों की लगी थी और पीछे कैफ़े कैफ़े से हमें मिल गए यहाँ पे बस खाने के लिए मैगी, समोसा एंड पिज़्ज़ा, यही सब, क्योंकि घर का कोई भी चीज़ आपको अलाउ नहीं है. और आप सब देखिए गाइस, यहाँ पे इतना खूबसूरत व्यू था ना, नहीं बता सकती मैं आप सबको, यानी कि मैंने जो फील किया है बस नहीं समझ सकती हूँ. तो फिर थोड़ा खा पी कर मैं बाहर भी आ गई. गाइस सबसे बड़ा फियर मेरा वाटर है और उसी को मैं इतने करीब से देख रही हूँ, हालत ही ख़राब होए जा रही थी मेरी. और सबसे अच्छी बात यह है कि डर भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था. कम से कम 2-3 घंटा हम इसमें रहे, एक बार अंदर एक बार बाहर, इधर उधर बस चारों तरफ घूम घूम के इसका मज़ा ले रहे थे. और ये हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये है 3rd फ्लोर. और देखिए मैं यहाँ पे कुछ रील्स भी शूट कर रही हूँ, ये है मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के साथ भी मैं यहाँ पे रील्स शूट कर रही हूँ. एंड फाइनली गाइस मैं 3rd फ्लोर पर आ गई और मेरा तो मन कर रहा था सारा दिन भी अगर इसी में बैठना पड़े तो बहुत ही मज़ा आ जाए. आप देखिए, आप देखकर बताइए कि आप सच में आप सबको ये अच्छा लग रहा है मंज़र या नहीं लग रहा है. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ. एंड पानी का फ्लो देखिए गाइस, कितना स्केरी है ना. और फिर अब बारी आ रही है हम लोगों के लैंड करने की, तो हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं. इससे पहले थोड़ी सी और क्लिप्स ले ली मैंने और ये बस हम सब उतरने ही वाले हैं गाइस. और देखिए अब सब एक एक से यहाँ उतर रहे हैं, बहुत सेफली यहाँ पर सबको एंटर करवाते हैं, या फिर यहाँ से एग्जिट भी मिल जाती है आप सबको. और हम लोग सूरत पहुँच ही गए हैं, 7 बजे हम लोग बैठे थे और हम जब उतर रहे हैं तब 12 बज रहे थे. एंड यहाँ से हम सब जा कहाँ रहे हैं और यही जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना. एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, नर्मदा नदी का एक पार्ट है जहाँ पर हर कोई जाता है इंजॉय करने के लिए, इसका नाम है देवरमढ़ी. तो गाइस जा ही रहे हैं और रास्ता भी हम लोग भूल चुके हैं पूछते पूछते. यहाँ पे हमने कम से कम 6 घंटे तो लगा ही दिए हैं सारा दिन और फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं. यहाँ भी बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का भी व्यू देखो, बस देखने का ही मन करता है. और साथ में सनसेट, अमेजिंग गाइस, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस. सनसेट एंड समंदर कॉम्बिनेशन क्या गजब लगता है. और वहाँ जाके मैं ठंडा ठंडा गोला खा रही हूँ और फिर आप सब देखिए यहाँ पर सब नहा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं. गाइस हम गए ही थे इसीलिए और हम ही वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कुछ इतना अच्छे से इंतज़ाम नहीं दिखा. एंड गाइस रात हो चुकी थी, बहुत थक भी गए थे और हम लोग आ गए थे पास ही के होटल में, जहाँ का होटल भी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से वहाँ की देख रेख में ये सब चीज़ें हो रही थी. सब देखिए गाइस यहाँ के होटल रूम देखिए. और फिर हमने रात इसी होटल में रुके और हम सब सुबह कहाँ जाने वाले थे ये सब भी आपको दूसरे ब्लॉग में दिखेगा, तो गाइस देखिए. और रात से सुबह तक रुकने के लिए हमने 3 रूम बुक की थी और ये रूम देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना. और हम सब थके हारे इतने थक चुके थे कि हम सबको अब नींद के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, प्लीज़ मेरे साथ रहना, सपोर्ट करना. और अब के लिए गुड नाइट, बाय बाय.
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।